वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था मेंटेनेंस असिस्टेंट पोस्ट पर और डिफरेंट पोस्ट पर, जिसका ऑफलाइन एग्जाम 12 जून 2022 कंप्लीट हो गया। आज डिस्कस करेंगे आंसर की लेके। देखिए ये जो आंसर की है, ये आंसर की मेमोरी बेस्ड है। जो स्टूडेंट लोग एग्जाम दिया उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन मेरे को भेजा है, तो उसी के हिसाब से सेम क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होने से भी ये क्वेश्चन सेम मतलब सही है। तो ये क्वेश्चन आप देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर करेक्ट हुआ है, कितना करेक्ट नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन और भी अगर होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए अगर इसमें कुछ क्वेश्चन अगर रहेगा जो मैं यहाँ पर नहीं दे पाया, तो वो क्वेश्चन ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, ताकि बाकी जो स्टूडेंट है उन लोगों को हेल्प हो जाए। देखिए इसका क्वेश्चन का दो पैटर्न था, एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल था। जो टेक्निकल क्वेश्चन था उसमें आपका 30 मार्क्स था, नॉन टेक्निकल में 70 मार्क्स था। पहले टेक्निकल पार्ट जो है वो पार्ट पहले डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, रिमार यूज फॉर आंसर एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग द बोर्ड। एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग द बोर्ड जो ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर चेकिंग आउटसाइड एंड इनसाइड डायमीटर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर चेकिंग डेप्थ। आंसर वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसेल नट यूज्ड फॉर टू क्रिएट ए सिक्योर नट प्लेस। आंसर टू क्रिएट ए सिक्योर नट इन प्लेस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ वी ब्लॉक यूज टू होल्ड, वी ब्लॉक का यूज पूछा गया, यूज टू होल्ड राउंड मेटल रॉड और पाइप्स। वी ब्लॉक का यूज क्या है, राउंड मेटल और रॉड और पाइप्स को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टू होल्ड फिनिश जॉब वी यूज आंसर क्लैंप, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए फाइल विथ 50 to 60 टीथ इन 25 mm इज कॉल्ड। ए फाइल विथ 50 to 60 टीथ इन 25 mm इज कॉल्ड, आंसर स्मूथ फाइल। अगर 100 टीथ रहता तो उसमें आपका डेट स्मूथ हो जाता, तो 50 से 60 का ऊपर जाएगा जो वो आपका डेट स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेल्डिंग कैसा ज्वाइंट है, परमानेंट ज्वाइंट। आंसर परमानेंट ज्वाइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कूलेंट यूज्ड इन कास्ट आयरन मशीनिंग का टाइम में कूलेंट को क्या कूलेंट यूज किया जाता है, या तो नो कूलेंट और ड्राई एयर की यूज किया जाता है। तो कहीं पे ऑप्शन में रहता है नो कूलेंट और कहीं कहीं रहता है ड्राई एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड आंसर कारोगेटिंग। स्वेजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कारोगेटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोर डायल गेज नॉर्मली यूज फॉर चेकिंग आंसर ब्लाइंड होल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नट हैज व्हिच टाइप ऑफ थ्रेड आंसर राइट हैंड थ्रेड जो ऑप्शन था उसमें राइट हैंड थ्रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई हैक्सो ब्लेड गेट डल आंसर हाई स्पीड एंड प्रेशर जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रोचिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक क्वेश्चन मैं पिछला कोई एग्जाम में मतलब IOCL के एग्जाम में, ONGC का जो एग्जाम हो रहा है उसमें प्रोडक्शन में भी मैं दिया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वाल्व इज यूज टू एडजस्ट द प्रेशर डिफरेंशियल अक्रॉस द ऑयल जेट एंड कंट्रोल द ऑयल फ्लो रेट इन लुब्रिकेटर। कौन सा वाल्व यूज कर रहे हैं जो प्रेशर डिफरेंशियल अक्रॉस ऑयल जेट एंड कंट्रोल द ऑयल फ्लो रेट इन लुब्रिकेटर। आंसर नीडल वाल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस गिवेन इन बोथ साइड देन इट इज कॉल्ड बाईलैटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सागोनल नट चैम्फर्ड एट एन एंगल आंसर 30 degree और 45 degree, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डायमंड इन एब्रेसिव इज हार्डेस्ट सब्सटेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
यूज टू सेफ एज ऑफ फाइल इज यूज टू आंसर प्रोटेक्ट द एडजेसेंट साइट, प्रोटेक्ट द एडजेसेंट साइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट एंड रूट, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट एंड रूट, क्रिस्ट एंड रूट का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेप्थ ऑफ थ्रेड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है डेप्थ ऑफ थ्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फीड डिपेंड्स अपॉन, द रेट ऑफ फीड डिपेंड्स अपॉन फिनिश रिक्वायर्ड, मेटेरियल ऑफ टूल ड्रिल, मेटेरियल टू बी ड्रिल, ये तीनों ऑप्शन अगर रहेगा तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो स्टूडेंट जो मेरे को बोला है उसी के हिसाब से आपका ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, वर्डिंग फाइल सिमिलर टू व्हिच टाइप, वर्डिंग फाइल सिमिलर टू व्हिच टाइप, आंसर फ्लैट फाइल बट थिनर इन थिकनेस, फ्लैट फाइल बट थिनर इन थिकनेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22, द रफनेस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन, आंसर माइक्रोन, माइक्रोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, स्वेज एंड सेट हैमर आर यूज्ड फॉर व्हिच फोर्जिंग ऑपरेशन, आंसर सेटिंग डाउन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हेन टूल मूव्स पैरेलल टू द लेथ एक्सिस द मूवमेंट इज टर्म्ड एज, द मूवमेंट इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल फीड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये मेरे पास इतना जो मेरे को क्वेश्चन, मेरे को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट लोग भेजा है तो उसमें से ये 24 आउट ऑफ 30 मेरे को क्वेश्चन भेजा है. तो बाकी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिए, इसमें बाकी स्टूडेंट का हेल्प हो जाएगा. जो नॉन टेक्निकल पोर्शन था उसमें जो पोर्शन था उसमें 70 मार्क्स था, 70 क्वेश्चन था उसमें, उसमें 70 क्वेश्चन था आउट ऑफ 70 क्वेश्चन. तो उसमें उसका क्वेश्चन नंबर 1, हु इज फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, आंसर सरोजिनी नायडू, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिकॉर्न राइनोस सेंचुरी, आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, आंसर थॉमस एडिशन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, हु पुट द फर्स्ट फुट ऑन द मून, पुट फर्स्ट फुट ऑन मून, आंसर नील आर्मस्ट्रांग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स पर मिनिट ह्यूमन हार्ट बीट, आंसर 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, चाइना नेहवाल इज एसोसिएट विथ व्हिच स्पोर्ट्स, आंसर बैडमिंटन, बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, हु रोड द बुक मालगुड़ी डेज, हु रोड द बुक मालगुड़ी डेज, आंसर के आर नारायण, आपका नारायणन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हिच डे सेलिब्रेट कंज्यूमर राइट डे, व्हिच डे सेलिब्रेट 15 मार्च सेलिब्रेट्स कंज्यूमर राइट डे. नेक्स्ट, व्हिच डे सेलिब्रेट्स ह्यूमन राइट डे, आंसर 10th December celebrates Human Rights Day. Next, the biggest day in the Southern Hemisphere, the biggest day in Southern Hemisphere, answer 22nd December, आपका correct answer हो जाएगा. Next, mass into acceleration is equal to force होता है, ये आपका correct answer है. Next, the largest continent, Asia, आपका correct answer हो जाएगा. Next question, द टू लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, आंसर चाइना एंड इंडिया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, वायर इज द हेड ऑफिस ऑफ आर बी आई, वायर इज द हेड ऑफिस ऑफ आर बी आई, आंसर मुंबई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, वाई इज रेन वाटर बिकम्स फेयर, वाई इज रेन वाटर बिकम्स फेयर, आंसर सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन. नेक्स्ट, व्हेन बेंगलुरु बिकम बेंगलोर, आंसर 1st November 2014, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन ऑन कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट में कौन सा लैंग्वेज से बात किया जाता है, आंसर कंकनी, आपका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मेन पोर्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का मेन पोर्ट क्या है, आंसर न्यू मैंगलोर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, इन 2020 टोक्यो ओलंपिक इंडिया गेट्स गोल्ड इन व्हिच इवेंट, आंसर जैवलिन थ्रो, आंसर जैवलिन थ्रो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ रैम, आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हिच इज द लार्जेस्ट रेल प्लेटफॉर्म, आंसर
खड़गपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन था उसमें खड़गपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड राइजिंग ऑफ सन, आंसर जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नेम ऑफ बेलारी डिस्ट्रिक्ट सीईओ, आंसर लंगमूर्ति जी, आंसर लिंगमूर्ति जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच इज मेन कॉमर्शियल एंड बिजनेस टाइप, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया, उसमें सटीक क्वेश्चन मेरे को मालूम नहीं, उसमें जो ऑप्शन था वो भी मेरे को मालूम नहीं। अगर ये क्वेश्चन का अगर आंसर आपको मालूम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट रिवर आर कर्नाटक सिचुएटेड एट, मोस्ट रिवर ऑफ कर्नाटक सिचुएटेड एट, आंसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडगु, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडगु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात इन हुई रिवर, जोग जलप्रपात इन हुई रिवर, आंसर सरस्वती रिवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिव सुबुंदम पावर प्लांट सिचुएटेड इन हुई विलेज ऑफ कर्नाटक, आंसर मालाभल्ली तालुक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलाइवा कंटेन हुई एंजाइम, सेलाइवा कंटेन हुई एंजाइम, आंसर सेलिवरी एमाइलेस, आंसर सेलिवरी एमाइलेस कंटेंट होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूरेनियम आर यूज्ड फॉर, आंसर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु अवार्डेड भारत रत्न इन 2014 फ्रॉम कर्नाटक, आंसर सी एन आर राव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बंदीपुर नेशनल पार्क व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, एक्चुअली ये होगा बंदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, आंसर चामराज नगर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, टू कनेक्ट द इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क, ए कंप्यूटर मस्ट हैव, आंसर एनआईसी नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, रीजनिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया 64:8:9, यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे क्या होगा 81:9, देखिए यहाँ पे 8 into 8 64, यहाँ पे 9 into 9 81, यहाँ पे 7 into 7 क्या हो जाएगा आपका 49, तो इसी के हिसाब से आपका 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन बाई ए साइकिल 15,000 rupees, आफ्टर 2 years ही सोल्ड 600 rupees लॉस परसेंट, मतलब 15,000 से साइकिल खरीदा और 2 साल के बाद 600 rupees लॉस से वो साइकिल वो सेल कर दिया, तो इसमें आप उनका लॉस परसेंटेज क्या होगा पूछा गया। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 15,000, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 600 लॉस में वो सेल किया है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है इसलिए ये लॉस ही होगा, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा कैलकुलेशन देखिए ये कैलकुलेशन के हिसाब से आपका 4% ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी एक मैथ दिया गया है, देखिए ये जो मैथ है एक्स इंटू 1/2 × 1/5 × 1/4 = 2, व्हिच वैल्यू एक्स इंटू 31%, आप अगर इसको अरेंज करेंगे एक्स इंटू ऐसा करके एक्स इंटू 1/2 ऐसा करके अगर करेंगे तो इसमें आ जाएगा टोटल x/40 = 2, एक्स का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, तो एक्स इंटू 31/100 मतलब एक्स का मान आपका 80, 31/100 मतलब 24.8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 15x = 20y, द वैल्यू ऑफ x = y, आंसर यहाँ पे देखिए जो कैलकुलेशन है उसी के हिसाब से यहाँ पे आंसर 4:3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच कोर्ट फंक्शंस अंडर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का नीचे कौन सा कोर्ट रहता है, आंसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल जज कोर्ट, म्यूनिसिपल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ये जो कोर्ट होता है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, आंसर
प्रेसिडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल इज इक्वल टू 5, कॉलेज इज इक्वल टू 6, गवर्नमेंट इज इक्वल टू, देखिए स्कूल 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 हुआ, कॉलेज में देखिए 7 है यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट पे कितना होगा 10, तो इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 9, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स इंटू 70% माइनस एक्स इंटू 57% इज इक्वल टू 338, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू 51%। देखिए इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करने से आपका आंसर 13.26% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया, 15 20 30 45, देखिए यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, उसके बाद यहाँ पे 20 होगा, तो 45 प्लस 20 अगर करेंगे, 45 प्लस इसमें 20 करेंगे, तो इसका इसमें आपका आ जाएगा कितना, इसमें आप आपका आ जाएगा 65, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से आपका आंसर 65। देखिए मेरे को इतना क्वेश्चन मेरे को भेजा गया, मैं इतना क्वेश्चन का एनालिसिस कर दिया, बाकी अगर क्वेश्चन आपको पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिए। इस वीडियो का अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ से आप ये पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। और ONGC का क्लास हो रहा है, हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिनको फ्री पे एक पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका ज़रूरतमंद पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। ये था आज का टॉपिक, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।